चलिए आज बात करते हैं इस टाइप के किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगा क्योंकि ये आपको बाद में अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो इससे मिलते जुलते जो ऑब्जेक्ट है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि उनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं इस सर्कल की कॉपी लेता हूँ, प्लस वाला जो कीबोर्ड से निशान है या फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी कॉपी बन गई। अब देखिए कॉपी ये रही इसकी कॉपी। ठीक है, तो वापिस में यहाँ से इसको थोड़ा सा नेविगेशन कीजिए, थोड़ा सा आगे धकेलता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों जो सर्कल है इनको सेलेक्ट करना है और इनको मैं ग्रुप कर सकता हूँ यहाँ से, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से भी मैं इनको ग्रुप कर सकता हूँ। ठीक, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए। ठीक है, अब देखिए इनकी मुझे एक कॉपी और लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इनकी एक कॉपी और लेता हूँ। अब मैं इस कॉपी को यहाँ से डिग्री देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और अब इनके साथ मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ, देखिए सॉरी सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये हो गया, अब मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा इसको बाद, इसके बाद में इसको इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ एक कॉपी एक्स्ट्रा। ठीक है, उसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस कॉपी को रख दिया। अब मैं इसकी एक कॉपी और लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और इस कॉपी को मैं यहाँ लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको 45 डिग्री का जो एक कोण एंगल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एंगल देता हूँ। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और सी दबाता हूँ। ठीक है, ये बन गया मेरा एक। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ शायद गलत कर दिया। ठीक है, चलिए वापिस एक बार मैं इसको, ठीक है कॉपी लेता हूँ, यहाँ इसको मैं साइड में करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको 45 डिग्री पे एंगल करता हूँ और इन दोनों को सेंटर अलाइन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए अगली बार बिल्कुल सही अलाइनमेंट हुआ। इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर मैं आपको बाद में बता सकूँ कि क्या क्या कैसे बनाते। तो देखिए ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें से जो इसके सारे सेगमेंट उनको जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा स्मार्ट फिल टूल कलर, स्मार्ट फिल टूल है कलर के लिए, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलते स्मार्ट फिल टूल पे। यहाँ देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 6 और 7। ठीक है, ये मैंने 7 कर ली। अब मैं इनको क्या करना है, सिर्फ वेल्ड करना है। ठीक है, एक को भी मुझे इनका एक से सॉरी एक एक टूल से मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, शिफ्ट की, शिफ्ट 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 के साथ जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं उनको मैं वर्ल्ड कर देता हूँ, और सॉरी वर्ल्ड नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे एक मिस्टेक हुई। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वर्ल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर ये है, फिर ये है, इसको कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, लगभग मेरा जो सेगमेंट है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें हम कोई भी कलर डाल सकता हूँ उसे अलग। ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे सके कि देखिए कैसे बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरा जो दूसरा सेगमेंट है उसको मैं तो देखिए दोस्तों, ये एक शेडिंग में बन गया कलर। ठीक है, अभी बीच में कुछ कमियां हैं जो मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर अभी हेयर लाइन जो इसकी है वो दिखाई दे रही है शो हो रही में, तो हेयर लाइन को अगर हमें डिलीट करना है या हाइड करना है तो उसके लिए हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है एकदम प्योर और क्लियर बन चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब चलते हैं जो मैंने यहाँ पीछे छोड़ दिया था इसकी तरफ। अगर हम इसमें भी कलर वगैरह ऐसा कुछ बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, तो बड़ा कट सॉरी, इसको हम कंट्रोल जी से ग्रुपिंग कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा साइज लेते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और बने। तो सबसे पहले हम यहाँ से डालेंगे कलर। ठीक है, 1, 2,
थ्री, ठीक है। इसमें साथ साथ ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में चलो कलर अलग से डालेंगे, ठीक है। हेलो जी, ये लगभग हमारा जो है सॉरी सॉरी तो ये रहा ऑब्जेक्ट, और एक रहे ना इसको हम अभी करते हैं कंप्लीट, 1 2 3, और इसको बाइंड किया, और हम यहाँ से सॉरी यहाँ से लेते हैं कलर पैलेट ग्रीन, इसको हम ब्लू कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि ब्लू वगैरह थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉरी तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं। प्योर इसको हम रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं इसको, प्योर येलो कर देते हैं, सॉरी इसको हम प्योर रेड कर देते। चलिए देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अभी इसके अंदर भी जो लाइन है उसको हम हटा सकते हैं यहाँ से, और शेडिंग अगर हमें देनी है तो हम वो भी दे सकते हैं, इसको हम कंट्रोल जी करते हैं, ग्रुप करते हैं, इसको भी हम कंट्रोल जी से ग्रुप करते हैं ताकि अलग अलग ना फैले ये, ठीक है। अब देखिए इसको हम ये बन गया हमारा मस्त वाला, ठीक है आइटम। तो अगर हम इसको अलग करना चाहते हैं या कर सकते हैं, यहाँ इसको रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं, साथ में रखना है साथ में रख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर अपन ठीक है इसको ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, अगर इसकी हम कॉपी लेना चाहें तो वो भी लेके यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए इसमें अगर थोड़ा स्टाइल देना चाहें तो फाउंटेन फील से यहाँ स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी स्टाइल दे देते हैं, चलिए ओके करते हैं। देखिए ये हमारा स्टाइल, अब इसके अंदर क्योंकि हमने ग्रुप कर रखा था तो देखिए थोड़ा स्टाइल अलग से दे देगा ये, ठीक है। अगर एक एक ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो एक एक ऑब्जेक्ट को भी शो कर देगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल, और आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।